उसके नीचे डाल दिया है पानी, पानी को गर्म करना है और उसके ऊपर रखना है हमें ये कांच का बाउल, और कांच तो कांच का बाउल रख लिया है क्योंकि चॉकलेट को हमें डायरेक्ट नहीं पिघलाना होता, वो जल जाती है और उसका टेस्ट सारा खराब हो जाता है, तो हमें इसी तरीके से पिघलाना होता है। तो अब पानी गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम पैकेट खोल के चॉकलेट डाल देंगे। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर चॉकलेट डाल दूंगी, आप चाहें तो और छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, और इसको हमें अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। और कुछ डालना नहीं है, पानी ना दूध कुछ चीज ऐड नहीं करनी, हमें प्योर चॉकलेट को ही मेल्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि चॉकलेट हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, तो इसी तरीके से हमें मेल्ट करनी है। तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट हमारी अच्छी तरीके से पिघल चुकी है, आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये लिया है मैंने मोड, यानी ये रोज मोड लिया है, तो इसके अंदर अब मैं बनाऊंगी चॉकलेट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा है, और चॉकलेट बनेगी तो कितनी प्यारी आएगी। और जब आप कट करते हैं तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर कंपाउंड चॉकलेट डार्क वाली, जो मैंने मेल्ट करके रखी हुई है, तो वो हम इसके अंदर भर देंगे। तो इसको अच्छी तरीके से हमें भर देना है। तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट मैंने डाल दी है, फिर व्हाइट वाली कंपाउंड चॉकलेट में थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है, तो ये पिंकिश हो गया है। अगर आप चाहें तो पूरा व्हाइट बना सकते हैं, या आप और कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको पूरा भर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये भर दिया है। तो अब इसको मैं सेट करने के लिए 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो गए और हमारे फूल अच्छी तरीके से सेट हो गए हैं। तो ये मैंने दो कलर के बनाए थे, एक बिल्कुल लाइट पिंक किया था और एक रेड कर दिया है। तो अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल आहिस्ता से आप ये नीचे से पुश करेंगे तो ये फूल हमारा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो वाओ, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये रोज बनकर आया है। अगर आप इसको किसी को गिफ्ट करेंगे तो वो कितना खुश हो जाएगा, और आपकी मेहनत की तारीफ भी करेगा कि आपने कितना प्यारा रोज बनाया है। इसी तरीके से मैं दूसरा निकाल लेती हूँ, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोनों फूलों को मैंने निकाल लिया है। तो अब ये गोल्डन कलर का वर्क आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, तो इस तरीके से हम इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे कि ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे। तो मैं पहले डेकोरेट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्यारे से क्यूट से हमारे रोज बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।